निफ्टी निफ्टी फाइनेंस मिड कैप निफ्टी पूरे इंडियन मार्केट में एक ब्रूटल अपसाइड आया हुआ है ओके सो वॉट ऑल वी कैन डू इज वी हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो ओके वॉट करेंटली वी हैव टू डू वी हैव टू गो विद द फ्लो एज अ डे ट्रेडर वी हैव टू गो विद द फ्लो एंड एज एन पोजिशनल ट्रेडर अपन को यहाँ पे शांति रखनी है और कुछ नहीं करना है ठीक है क्योंकि वॉट एवर इज हैपनिंग देर मे बी सम कॉस्ट बिहाइंड इट इसके पीछे कुछ ना कुछ कॉस्ट जरूर होगा ओके द थिंग इज दैट एज अ डेई ट्रेडर वी हैव टू गो विद अ फ्लो अगर मार्केट अप जा रहा है तो सीधे इसके साथ अप जाना है मार्केट अगर कहीं पर डाउन साइड आने का प्लान कर रहा है तो वी हैव टू गो विद डाउन साइड दैट्स ऑल ओके एंड ये अप साइड और ये डाउन साइड कैसे अपन पता करेंगे फ्रॉम अवर लेवल्स ओके जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ आप उसको मार्क करो आई एम श्योर दैट इट्स गोइंग टू हेल्प यू फॉर मंडे ओके चलिए चालू करते हैं बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स को आप एक बार नोट कीजिए वीकली क्लोजिंग पॉजिटिव है ठीक है तो अपन अपसाइड के लिए ही आ, देखेंगे ओके okay. एंड हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन है बट डिप कहीं ना कहीं पे जरूर वापस से बाय होगी ओके okay. चलिए बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा फोर्टी विल बी द फर्स्ट लेवल टू वॉच आउट फोर्टी उसके बाद क्लोजिंग पर मार्क रखना चाहो तो रख सकते हो जैसा कि हम हमेशा से रखते आए हैं यहाँ पर एक क्लोजिंग पे एक छोटा सा मार्क देन जो सेकेंड लेवल है वो होगा फोर्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी फोर्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी एंड जो थर्ड लेवल है फोर्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी एंड अब अगर चाहो तो एक लेवल बस ऐड कर सकते हो अगर आपको करना है तो ये पोजिशनली आपके जरूर काम आएगा फोर्टी सेवन थाउजेंड नाइन्टी फोर्टी सेवन थाउजेंड नाइन्टी ये पोजिशनली आपको काम आएगा मैं बताता हूँ ठीक है अगर इंट्राडे में हूँ तो इसको डिलीट कर सकते हो जो लास्ट लेवल दिया उसको डिलीट कर सकते हो बट अगर आप कही कहीं ना कहीं पर पोजिशनल बाइंग देख रहे हो तो फोटी सेवन थाउजेंड नाइन्टी एस ए गुड लेवल टू एड सम लॉन्ग्स ओके नाउ द पॉइंट इज दैट कल क्या करना है अपन को सिंपल सी चीज है मार्केट इसके ऊपर जाता है वी हैव टू गो विद द कॉल साइड मार्केट अगर क्लोजिंग पर एक अच्छा खासा ब्रेक डाउन देता है मान के चलो ऑलरेडी वी आर ओपनिंग मे बी वी आर वी आर गोइंग टू ओपन फ्लैट और गैप डाउन ओके गैप डाउन मान के चलो यहाँ पे होता है क्लोजिंग ब्रेकआउट देता है तो वी हैव टू लुक फॉर द अप साइड अदरवाइज इफ दिस लेवल गेट्स ब्रेक वी हैव टू लुक फॉर द डाउन साइड ओके नाउ करेंटली अबोव द सी बिलो दिस पी ओके एंड यहाँ पर कहीं पे आप प्रॉफिट बुकिंग का देख सकते हो एंड अगर आपको और शॉर्ट करना है तो इसके नीचे अगर एक बेरिश कैंडल क्लोज होती है यू कैन लुक फॉर द डाउन से दैट्स ऑल अब आप ये मत सोचना कि यार इतने दूर दूर के लेवल्स हैं तो ये ट्रिक नहीं होंगे नहीं हमेशा याद रखना सीजन्स होते हैं मार्केट के अपने अपने ओके ये अप्रैल मई या जून नहीं चल रहा है जो मार्केट 200-300 पॉइंट का मूव दिखाएगा दिस इज दिसंबर एंड आने वाले मंथ्स में मार्केट और ब्रॉडर व्यूज दिखाएगा आपको ठीक है वाइडर रेंज ये जो रेंज दिख रही है ना ये कुछ नहीं है अभी के मार्केट के लिए मार्केट दिन में 400 500 पॉइंट का मूव ईजिल दिखाएंगे ओके okay. जहां पर कही कहीं ना कहीं पे आपको दिक्कत जरूर फेस करने को मिलेगी ऑप्शंस में ओके okay. सो so, जैसा मैं बोल रहा हूँ यू कैन गो विद दैट अगर लेवल्स ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन आस्ट यू कैन गो विद दैट साइड ओके यू कैन गो विद दैट फ्लो ओके

अब निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको नोट कीजिए देन उसके बाद अपन आगे की चीजें देखते हैं निफ्टी के लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल होगा ट्वेंटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड विल बी द फर्स्ट लेवल टू वॉच आउट एनदर लेवल ट्वेंटी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड इसके बाद जो है वो है ट्वेंटी

कैप निफ्टी का कल एक्सपायरी है कहीं ना कहीं पे चॉपीनेस ही मेंटेन करके रखेगा इतना ज्यादा ट्रेंडिंग मूव तो नहीं देखने को मिलेगा मिड कैप निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उनको नोट कीजिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा मिड कैप निफ्टी के लिए टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड इंपॉर्टेंट लेवल टेन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी चीज करनी है इसके ऊपर मार्केट जाता है कॉल इसके नीचे मार्केट जाता है बट दैट्स ऑल ठीक है अब यार थोड़ा सा जो आगे के प्लान्स हैं उनको मैं समझाता हूँ ठीक है प्लानिंग ये है कि दैट इन द अपकमिंग डेज ओके चलो यार एक काम करता हूँ मैं इसके लिए अलग से वीडियो आपको प्रिपेयर करके दे दूंगा ठीक है इस वीडियो को सिर्फ एनालिसिस का वीडियो रहने देते हैं बट आपको मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ जो मैं अपकमिंग प्लान कर रहा हूँ ठीक है अपकमिंग प्लान आई एम प्लानिंग टू गो विथ सम लॉन्ग पोजिशनल्स ओके सम लॉन्ग पोजिशन मतलब एटलीस्ट वन वीक और टू वीक होल्डिंग्स के साथ ओके okay. ये किस बेस पर रहेंगे ये करेक्शन बेस पर रहेंगे ये करेक्शन बेस पर रहेंगे क्यों क्योंकि देर इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी गाइस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है अपने पास जस्ट बिकॉज निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखोगे जिस तरफ से सूपटअप आया है अगर करेक्शन आएगी तो अच्छी खासी करेक्शन आएगी मतलब अगर थर्टी परसेंट की भी करेक्शन आती है अभी जो करेंट मूव आया मान के चलो जो मूव है वो हज़ार पॉइंट का है अगर करेक्शन थर्टी परसेंट की भी आती है तो कितना आ जाएगा आप समझ लो तीन सौ पॉइंट ओके एंड तीन सौ पॉइंट कैन बी अ यू कैन से गुड मूव ओके फॉर डाउन साइड और एनी ओके एंड जो आपका डी एंड एस है डिमांड एंड सप्लाई इसको भी अपन कंटिन्यू करेंगे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बोला था एफ से रिलेटेड ओके okay. उसको मैं मेरे हिसाब से ट्यूसडे या वेंसडे से बनाना चालू करूँगा क्योंकि लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपको देने हैं उसमें तो एक ये वीडियो डालनी है एंड इसके बाद जो डिमांड एंड सप्लाई है वो पढ़ाना है एंड उसके बाद बस यार मैं थोड़ा सा कुछ दिन के लिए कहीं ना कहीं पे वापस गायब हो जाऊंगा क्यों गायब हो जाऊंगा क्योंकि मार्केट में फोकस करना ज़रूरी है आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे मैं जरूर रहूंगा ठीक है चलिए ये कुछ प्लान्स हैं आने वाले दिनों के देखते हैं कैसा अपन इस पर वर्क कर पाते हैं जस्ट वॉन्ट टू से स्टिक विथ ट्रेड लाइक बर्न इन गाइज टुगेदर वी हैव टू गो लॉन्ग वे एंड आई नो दैट मेरे को कोई मिस किया नहीं होगा ओके चलिए बबे गाइस टेक केयर एंड अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग एय नॉलेज इज पावर ट्राई टू वॉक इन द पाथ ऑफ नॉलेज ओके because money is always secondary knowledge should be the first priority stick with a trade like berlin and together we are going to gain a lot of things bye guys take care